भैया, ओ हनी भैया, गोली के घाव बोलो जोर से, गोली के घाव भर सकते हैं पर गोली के भाव, इसलिए गलत बोली मत बोलिए, बोलने के पहले विचार करिए जो बोल रहे हैं वो बोलने योग्य है या नहीं। मंत्रा ने बोला और कैकई ने मान लिया तो मंत्रा की बोली को, मंत्रा के शब्दों को विचार किए बिना कैकई माँ ने मान लिया तो कैकई माँ के घर में देखो क्या हो गया। आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखा। आया ना, ये शब्दों का ही तो जादू था। कैकई माता ने दशरथ जी से क्या कहे, शब्द ही तो कहे कि राम को वनवास भेज दो और भरत को राजा बना दो। दशरथ जी बोले कि कैकई मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, मैं तेरे चरणों में गिरता हूँ, कैकई मैं मर जाऊंगा, राम को यदि वनवास भेजा गया तो विधवा हो जाएगी। कैकई बोली कल मरते हो तो अभी मर जाओ, यदि राम वनवास नहीं गए तो मैं मर जाऊंगी। आप तो बड़ा कहते थे कि रघुकुल नीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और अब देखो कह रहे हो कि मैं राम को वनवास नहीं भेज सकता, मुझे वचन दिया था पालन कीजिए महाराज। क्या हो गया माता कैकई को, कितने कठोर शब्दों का प्रयोग करती है माता कैकई। माता कैकई इतनी कठोर ना थी, इतनी कठोर ना थी कैकई माता। ये कैकई माता कठोर कैसे बन गई, मंत्रा के कठोर शब्दों को सुनकर वो कठोर हो गई। जैसा आप सुनते हो ना वैसे आप बन जाते हो। आप संतों की बातें सुनेंगे तो आप संत जैसे बन जाएंगे, कसाई की बातें सुनेंगे आप कसाई जैसे बन जाएंगे। आप जिस वातावरण में रहते हैं, जो बातें सुनते हैं, आप वही बन जाते हैं। हाँ या ना, वातावरण का प्रभाव पड़ता है कि नहीं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि समाज पर, बच्चों पर, जीवन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हाँ या ना, इसलिए आप लोग अपने घर का वातावरण ठीक करिए। जब आपका पति शराब पीकर आता है, जब पुरुष वर्ग आप शराब पीकर घर आते हो और शराब पीकर के घर आकर के जब लड़ाई करते हो पत्नी से, तो तुम्हारे बच्चे देखते हैं कि देखो हमारे पिताजी शराब पी के आए और झगड़ा कर रहे हैं, किस तरह हमारी माँ को मार रहे हैं, डांट रहे हैं। जो व्यवहार आप करते हो सब बच्चे देखते हैं और वही बच्चे सीख जाते हैं और बड़े होकर वही व्यवहार वो खुद करेंगे, क्योंकि जैसा वातावरण घर का होता है वैसा ही प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। बच्चों को सही बनाना है तो घर के वातावरण को सही कर लीजिए।